हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट लेक्चर सीरीज में आज हम लोग फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग सेट थ्योरी का एप्लीकेशन देखेंगे प्रोबेबिलिटी में। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने वेन डायग्राम वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, क्योंकि उसका इसमें एप्लीकेशन होगा और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर हम लोग ने क्या किया कि बोथ साइड एन एस से डिवाइड कर दिया। एन एस क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट हैं उसको उससे हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एन एस क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए यूनियन बी। और ऐसे ये पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो सेम फॉर्मूला है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह क्या आ चुका है? प्रोबेबिलिटी आ चुका है। तो जो वेन डायग्राम वाले लेक्चर में जिसमें जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वही सेम फॉर्मूले आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी में, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो सेम फॉर्मूले कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और जैसा कि हम लोग उस लेक्चर में समझ चुके हैं कि पी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, पी ऑफ ए और बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट अमंग ए और बी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए एंड बी, है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो लेक्चर देख रखा है या फिर आपको वेन डायग्राम का पूरा आइडिया है फॉर्मुलेस का ना, और उस पे बेस्ड हम लोग सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। हमें प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि नीदर ए नॉर बी अकर्स, है ना। ये ए कॉम्प्लीमेंट को इग्नोर कर दो, यहाँ पर नीदर ए नॉर बी अकर्स, ऑल्सो फाइंड पी ऑफ ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट नीदर ए नॉर बी, मतलब ए भी ना हो एंड बी भी ना हो, पहले में हमें ये निकालना है नीदर ए नॉर बी अकर्स। ए भी नहीं हो रहा है एंड बी भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग ने पढ़ रखा था डिमॉर्गन्स लॉ। तो वो क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, डिमॉर्गन्स लॉ याद होगा। और किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको क्या लिख सकते हैं? वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो वन माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और सारी वैल्यूज रख के आंसर निकाल लेते हैं। तो वन माइनस 0.25 प्लस 0.5 माइनस 0.14, देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये अपने पास आ जा रहा है 0.75 माइनस 0.14 यानी कि 0.61, और यानी कि ये आ जाएगा 0.39। ठीक है, ये तो पहली चीज आ गई। अब इसमें एक और चीज पूछी गई है, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि प्रोबेबिलिटी दैट ए हो एंड बी ना हो। तो ये भी हम लोग ने वेन डायग्राम में पढ़ा है, ये क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो आपने अगर वेन डायग्राम वाला लेक्चर देखा होगा तो क्लियर होगा। तो 0.25 माइनस 0.14, तो ये कितना आ गया? 0.11। इसको हम लोग वेन डायग्राम बना के भी कर सकते थे, लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग ने फॉर्मूले से कर लिया, अब अगला क्वेश्चन हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है, पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, और हमें फिर बतानी है ये सारी चीजें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे वहां पर पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता था, वैसे यहाँ पर पूरा रेक्टेंगल सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट करेगा। और कोई पूछे कि सैंपल स्पेस की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वन होगी। ठीक है ना, क्योंकि सैंपल स्पेस यानी हम पूरे रेक्टेंगल में से कोई ना कोई इवेंट हो गई होगा ना। तो कोई पूछे सैंपल स्पेस के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वन है। अब जैसे वहां पर हम लोग ने वेन डायग्राम की फिलिंग सीखी थी, वैसे यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले किसको भरेंगे? इसको भरेंगे, तो ये हो जाएगा 0.16। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए 0.4 है, तो 0.4 में 0.16 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.24 हो जाएगा। और 0.48 है बी की, तो उसमें सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.32। तो टोटल रेक्टेंगल वन है और इन तीनों को जोड़ के वन से सबट्रैक्ट करते तो बाहर की आ जाएगी, तो ये 0.48 हो जाएगा। और 0.24 जोड़ेंगे तो 0.72 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0.28। तो हम लोग ने अब चारों रीजन जो होते थे अगर वेन डायग्राम में आया, तो ये रीजन वन, ये रीजन टू, ये रीजन थ्री और रीजन फोर, तो चारों रीजन की हम लोग ने प्रोबेबिलिटी जो है वो फिल कर ली है। तो एक काम करते हैं, हम लोग रीजन को नाम भी दे देते हैं। ये हमारे लिए रीजन वन है, ये हमारे लिए रीजन टू है,
ये हमारे लिए रीजन 3 है और ये हमारे लिए रीजन 4 है। ठीक, तो हमने चारों को नाम दे दिया। अब देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या क्या चीज है ऐड, कौन से रीजन ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। चलो, तो सबसे पहले में पूछा है ए यूनियन बी, तो सबसे पहले पार्ट के लिए तुम कौन कौन से रीजन को जोड़ोगे? तुम पहले पार्ट के लिए जोड़ोगे 1 + 2 + 3, ए यूनियन बी यानी कि ए और बी, तो ये वाला पूरा रीजन होगा यहां से लेकर ये दोनों सर्किल्स का जो कंबाइंड है। तो इन तीनों को ऐड करके अब डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो 0.24 + 0.65 और ये, तो ये कितना हो जाएगा 0.82। ठीक, ये हो गया, सॉरी 0.72 हो जाएगा, इनफैक्ट 0.72 है ना, तो यहाँ सही से लिख लेते हैं 0.72। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, ए हो ए ना हो एंड बी हो, है ना, ए नॉट एंड बी, तो वो कौन सा रीजन है? रीजन 2 है। रीजन 2 वो वाला रीजन है जिसमें इवेंट बी हो रहा है लेकिन इवेंट ए नहीं हो रहा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दिख रही है 0.32। देखो, वेन डायग्राम बनाने से ये फायदा होता है कि फॉर्मूले वगैरह नहीं लगाने होते, हमें डायरेक्ट आंसर दिखने लगते हैं। फिर ए भी नहीं हो रहा है एंड बी भी नहीं हो रहा, यानी कि दोनों सर्कल्स के बाहर वाले रीजन, यानी कौन सा रीजन? रीजन 4, यानी आंसर कितना हो गया 0.28। ठीक, और फिर आता है फोर्थ। देखो, बीच में यूनियन लेना है तो ये देख लो कितना आ रहा है और ये देख लो कितना आ रहा है, और दोनों को फिर ऐड कर दो। ये बोल रहा है ए हो एंड बी ना हो, तो कौन सा रीजन होगा? 1, है ना, 1 रीजन ऐसा है जिसमें ए हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा है। और इसमें क्या बोल रहा है, ए ना हो एंड बी हो, तो वो कौन सा रीजन है? वो रीजन 2 है। तो रीजन 1 और रीजन 2 को जोड़ दो तो इसमें आंसर आ जाएगा। जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि यूनियन लेना है ना, तो यूनियन मतलब एडिशन, तो कितना आ जाएगा 0.24, 0.32 यानी कितना 0.56। तो जैसे हम लोग ने इस सिस्टम का वेन डायग्राम बना लिया, तो अब इसमें 4 पार्ट पूछे, 5 पार्ट पूछे, 10 पार्ट पूछे, अब आंसर बहुत जल्दी जल्दी लिख लोगे बिना किसी फॉर्मूले की हेल्प से। तो जब एक ही क्वेश्चन में कई सारे पार्ट पूछे जा रहे हो तो इट इज एडवाइजेबल कि हम वेन डायग्राम बना के सॉल्व करें। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देर आर 3 क्लब्स ए कॉमा बी कॉमा सी इन टाउन विद 40, 50, 60 मेंबर्स रिस्पेक्टिवली। 10 पीपल्स आर मेंबर ऑफ ऑल द 3 क्लब्स, 70 मेंबर्स बिलोंग टू ओनली 1 क्लब। अ मेंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज मेंबरशिप ऑफ एग्जैक्टली 2 क्लब्स। ठीक है, 3 क्लब हैं ए बी और सी और उनके बारे में हमें सर्टेन डेटा दे रखा है, तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या फिर, देखो तो फॉर्मूले से तो चीजें हो ही जाएंगी, हम लोग अलग अलग तरीके सीख लेते हैं ना, कि इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया ना। ये ए क्या है? ओनली ए वाला रीजन, मतलब यहाँ से ये चल के फिर ये और फिर ये, ठीक है, और फिर इसको ई बोल दिया, इसको एफ बोल दिया और इसको जी बोल दिया, और ये हमें क्वेश्चन में 10 दे रखा है। ठीक, उसके बाद एक डेटा यहाँ पर तुम ये वाला पढ़ो कि 70 मेंबर्स बिलोंग टू ओनली 1 क्लब। ठीक है, तो 70 मेंबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक क्लब को बिलोंग करते हैं, तो वो 70 का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी जो है तुम्हारा वो कितना है? 70 है, क्योंकि ए बी और सी रीजन में वही लोग हैं जो एग्जैक्टली एक क्लब में हैं। ठीक, उसके बाद ए प्लस ई प्लस एफ प्लस 10 कितना होगा? वो होगा 40। क्यों? क्योंकि एक में टोटल कितने लोग हैं? 40, तो ए प्लस ई प्लस एफ प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40। और अच्छा, इसमें एक चीज समझ लो कि हमें बेसिकली क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी मेंबरशिप हैज एग्जैक्टली 2 क्लब्स, मतलब ही हैज मेंबरशिप ऑफ एग्जैक्टली 2 क्लब्स, मतलब हमें ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ई एफ और जी में वो लोग हैं जो एग्जैक्टली 2 क्लब में, ई वाले ए एंड बी में हैं, एफ वाले ए एंड सी में हैं, जी वाले बी एंड सी में है ना, तो उसी के लिए हम लोग पूरा ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके बाद अगर तुम देखो तो बी प्लस ई प्लस जी प्लस 10 कितना हो जाएगा? बी में कितने ये बी वाले लोग हैं, ये कितना हो जाएगा? 50। और ऐसे ही सी प्लस जी प्लस एफ प्लस 10, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? सी में टोटल कितने लोग हैं? 60 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और देखो ई 2 बार है, एफ दो बार है और जी 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ ई प्लस एफ प्लस जी, और ये 30 आ जाएगा, और ये 6, 5, 11, 50, 150 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 70, तो ये 70 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, और इनफैक्ट 100 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 50 और 52 से डिवाइड होगा तो 25, तो ई प्लस एफ प्लस जी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25।
अब जो बात आती है हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी हमें एक पर्सन की ये होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एग्जैक्टली दो क्लब में हो, तो ई प्लस एफ प्लस जी, और टोटल केस क्या होगा, टोटल इस पूरे सर्किल का जितना सम आ रहा होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ई प्लस एफ प्लस जी और प्लस 10। ठीक है, मैंने डी मिस कर दिया, मुझे मत सोचना मुझे एबीसीडी नहीं आती, ऐसे मिस कर दिया। ठीक है, वो वैसे नॉर्मली यहाँ पर डी बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उससे हमारे क्वेश्चन को कंसर्न भी नहीं है सच। तो ये आ जाएगा 25, ये तो 25 कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 70 और ये 10 और ये 25, तो ये कितना हो जाएगा 105। तो आंसर कितना आ गया 25/105। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा कैंसिल करना हो तो आंसर आ जाएगा अल्टीमेटली 5/21। ठीक है, तो कैलकुलेशन के नाम पे ऐसा कुछ नहीं था, बस हमें अगर वेन डायग्राम को अच्छा कमांड है तो ये हमारे लिए बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। बाकी आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वही जो तीन सेट के यूनियन वाला फॉर्मूला होता है उससे भी आप ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी आर थ्री हॉर्सेस पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, द ऑड्स इन देयर फेवर आर 1:4, 1:3, 2:5। एबीसी तीन हॉर्स हैं और उनके ऑड्स इन फेवर दिए हुए हैं, तो ऑड्स इन फेवर दिए हुए तो हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी आनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए कितनी होगी 1/5। ये क्या दिया हुआ है, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, तो हमें निकालेगा फेवरेबल अपॉन फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। खैर इस पर ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं, सभी को पता होगा पी ऑफ बी हो जाएगा 1/4 और पी ऑफ सी हो जाएगा 2/2+5 यानी कि 2/7। इफ डेड हीट इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि डेड हीट का मतलब क्या होगा कि टाई नहीं हो सकता। ठीक है, कि वो रेस में पार्टिसिपेट करे तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों सेम पॉइंट पर डेस्टिनेशन पे या जो भी फाइनल पॉइंट है वहां पर पहुंचे। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ दैट वन ऑफ देम विंस द रेस, मतलब उनमें से कोई एक जीत जाए, मतलब ए जीत जाए और यानी कि यूनियन बी जीत जाए और यानी कि यूनियन सी जीत जाए। तो फॉर्मूला हम खोलेंगे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अब इसमें तो आगे और भी चीज आती है, लेकिन चूंकि डेड हीट पॉसिबल नहीं है तो ए एंड बी के साथ में जीतने की प्रोबेबिलिटी जीरो, बी एंड सी के साथ में जीतने की प्रोबेबिलिटी जीरो। तो जो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले टर्म है वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि डेड हीट पॉसिबल नहीं है, यानी कि दो लोग एक साथ नहीं जीत सकते। तो बस फॉर्मूला हमारा यहीं पे रुक जाएगा, और हमें यही निकालना था, हमें ये जज करना था कि ए और बी और सी में से कोई जीत जाए। ठीक है, तो 1/5 प्लस 1/4 प्लस 2/7। ठीक है, तो अब एलसीएम अगर देख लो कितना आ रहा है, तो 5 4 5 4 20, 7 140, तो यहाँ पे 140 आ जाएगा, और यहाँ पर अब आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हो ये कितना आ जाएगा, आई गेस 28 आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 आ जाएगा और ये आ जाएगा 40 आ जाएगा, देख लेना कैलकुलेशन भाई एक बार। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 75, 75 और 28 आई गेस 103/140। भाई कैलकुलेशन देख लो ना, उसकी गारंटी नहीं है, बाकी आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, थ्री एग्जॉस्टिव इवेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस पी स्क्वायर, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन अमंग एनी टू इज पी, देन फाइंड पी। तो इस पे तीन इवेंट्स हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब हुआ कि वो मिल के पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहे होंगे, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी। एक इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई कि पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दूसरी चीज दे रखी प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस, यानी कि उनके एक साथ होने की, यानी कि ए एंड बी एंड सी ये कितना हो गया, ये हो गया पी स्क्वायर। ठीक, ये तो दो बातें हो गई। उसके बाद इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, है ना, यहाँ पर अकरेंस लिखा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन अमंग एनी टू इज पी, देन फाइंड पी। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये हम लोग ने वेन डायग्राम वाले लेक्चर में वैसे देख रखा है, किन्हीं भी दो को उठाओ तो उनमें से एग्जैक्टली एक के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है पी, मतलब तुम ए एंड बी को उठाओ तो उनमें से एग्जैक्टली एक होने की प्रोबेबिलिटी पी है, बी एंड सी को उठाओ तो उनमें से एग्जैक्टली एक होने की प्रोबेबिलिटी पी, एंड सेम गोस फॉर ए एंड सी। तो जैसे मान लो मैं ए और बी के थ्रू तुमको समझाऊं, तो ये वैसे मैंने बताया भी है, तो इनमें से एग्जैक्टली एक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो सिर्फ ए हो जाए मतलब कि ये वाला रीजन आ जाए, ठीक है, और या तो सिर्फ बी हो जाए यानी कि सिर्फ ये वाला हो जाए। तो अब देखो जो भी मैंने शेड किया है उसमें इन दोनों में से एक ही इवेंट हो रहा है, यानी कि ये एक तरीके से क्या है कि हम लोग ने पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी
लेकिन पी ऑफ ए और पी ऑफ बी लिखा तो ये जो रीजन है ये वाला जो हमें नहीं चाहिए था ये दो बार आ गया, और हमें तो पी ऑफ ए में भी आएगा एक बार और पी ऑफ बी में भी आएगा, दो बार आ जाएगा, हमें एक बार भी नहीं चाहिए। तो ये आ जाएगा पी ऑफ टू टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या दिया हुआ है हमें, पी दिया हुआ है। सिमिलरली बी और सी के लिए भी ये सेम चीज पी दे रखी है और सी और ए के लिए भी ये सेम चीज पी दे रखी है ना। तो अब ये तीनों चीजें हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो ये हम लोग ने तीनों चीजें लिख ली है ना, ए और बी के लिए, बी और सी के लिए, सी और ए के लिए। अब देखो जब इनको तुम ऐड करोगे तो देखो पी ऑफ ए भी दो बार आएगा, पी ऑफ बी भी दो बार आएगा, पी ऑफ सी भी दो बार आएगा, और ये तो दो दो बार है तो टू पूरे से कॉमन आ जाएगा। और उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा ऐड करने के बाद, इसको आप चाहो तो शॉर्ट में सिग्मा पी ऑफ ए भी लिख सकते हो, लेकिन चलो अभी पूरा लिख लेते हैं। पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। उधर आया था पहले 3p और फिर 2 से डिवाइड हो गया होगा तो 3p बाई 2 आ गया होगा। अब a यूनियन b यूनियन c का फॉर्मूला ओपन कर लिया, और अगर आप ध्यान दो तो आपको सब कुछ पता है। ये 1 दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3p बाई 2 है। तो ये आ जाएगा 3p बाई 2, और ये भी अपने को क्वेश्चन में रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस सीक्वेंस कितनी दे रखी है, p स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, तो यहां से आप पी के लिए सॉल्व कर लेना। हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी जीरो क्लोज से वन क्लोज तक होती है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप आंसर निकालोगे तो पी आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर थ्री इवेंट्स सजेस्ट पी ऑफ ए दिया हुआ है, पी ऑफ बी दिया हुआ है, ये 0.4 लिखा हुआ है, पी ऑफ सी दिया हुआ है। ए बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, शॉर्ट में लिखने का तरीका है, ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, और यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। और ये बोला गया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी 0.75 से ज्यादा है तो हमें रेंज ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकालनी है। हमें ए यूनियन बी यूनियन सी के फॉर्मूले में हर चीज पता है एक्सेप्ट दिस, और हमें इसकी रेंज निकालनी, तो हम क्या करते हैं कि इसको एक्स बोल देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला खोल देते हैं। तो पहले ए लिख लेते हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये कितना हो जाएगा पी ऑफ ए, पी ऑफ ए कितना है 0.3 प्लस पी ऑफ बी यानी कि 0.4 प्लस पी ऑफ सी यानी कि 0.8 माइनस ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 0.08 माइनस बी इंटरसेक्शन सी, उसको एक्स माना है, माइनस सी इंटरसेक्शन ए यानी कि 0.28 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0.09। ठीक है, तो इसको एड करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा अपने पास, आप देख लेना 1.23 माइनस एक्स। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि एक्स एक प्रोबेबिलिटी है तो एक्स को खुद भी क्या होना पड़ेगा, जीरो से वन होना पड़ेगा, हमें यह चीज दिमाग में रखनी है। अगर इसके बाहर आएगी कोई वैल्यू तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू आ गई 1.23 माइनस एक्स। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो 0.75 से ज्यादा है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग एक और चीज पता है कि ये चीज 1 या उससे कम भी होती है। ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, या किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 के आगे तो जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो इससे अब हमारी x की रेंज आ जाएगी 0.75 इज लेस देन और इक्वल टू 1.23 माइनस एक्स लेस देन 1। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हर जगह 1.23 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस 1.23 और यहाँ पर करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स और यहाँ पर भी 1 माइनस 1.23, तो ये कितना आ जाएगा 25 और 23 यानी कि माइनस का 0.48 लेस देन और इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस 0.23। बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.23 से 0.48, और चूंकि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आई तो ये चीज सेटिस्फाइड है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनली आपको यही सेट मिल जाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये इजी क्वेश्चन था और सभी को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अब ये क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। पी ऑफ ए 3/5 है, पी ऑफ बी जो है वो 2/3 है, और आपको इन सब की रेंज निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, और ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए हो एंड बी ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड हम लोग यही करेंगे, और आपको थर्ड ये होमवर्क में
करना है। चलो क्वेश्चन समझते हैं। तो पी ऑफ ए और पी ऑफ बी दिए हुए हैं और यूनियन इंटरसेक्शन की रेंज निकालनी है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने, तो उसके बीच में हो जाएंगे मिनिमम टू मैक्सिमम। तो याद करो हम लोग ने वेन डायग्राम में एक बात की थी कि अगर एक सेट में तीन एलिमेंट है और दूसरे सेट में एक सेट पहला सेट है ए उसमें तीन एलिमेंट है और दूसरा सेट है बी जिसमें पांच एलिमेंट है, तो उन दोनों का जब यूनियन लोगे तो कम से कम कितने एलिमेंट जरूर आएंगे? कम से कम पांच एलिमेंट यूनियन में जरूर आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो तीन है वो अगले पांच में रिपीट हो गए हों, लेकिन पांच एलिमेंट तो आने ही आने हैं यूनियन में। तो हम लोग ने क्या बोला था कि दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है ए यूनियन बी में उतना तो आना ही आना है। तो सेम लॉजिक यहां भी लगाएंगे कि ए यूनियन बी की अगर हमसे कोई मिनिमम वैल्यू पूछे तो इन दोनों में देख लो कौन सा बड़ा नंबर है, ठीक है? इन दोनों में जो भी बड़ा नंबर होगा उतना तो आना ही आना है। तो 3/5 और 2/3 में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 2/3 है, आई गेस। तो ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू वही हो जाएगी। तो जब भी ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो ये देखेंगे, उल्टा करें काम करेंगे, देखेंगे दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है? क्योंकि उतना तो आने ही आना है, एक सेट में तीन एलिमेंट, एक सेट में पांच एलिमेंट, तो यूनियन में पांच एलिमेंट तो आने ही आने। दूसरी बात, अगर एक सेट में तीन एलिमेंट है और दूसरे सेट में पांच एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं? मैक्सिमम तीन ही एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं, यानी कि तीन और पांच में जो छोटा नंबर है मैक्सिमम उतने ही एलिमेंट्स कॉमन आ सकते हैं। तो ऐसे यहां पर ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? जो दोनों में से छोटी वैल्यू होगी, यानी कितनी हो जाएगी? 3/5। ठीक। अब कई लोगों को क्या मिसकॉन्सेप्शन होता है कि उनसे ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है तो बोलते हैं कि जीरो आ जाए, दोनों सेट में कुछ कॉमन ना हो तो जीरो आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है कि यहां पर अगर हम डेटा फीड करें और P of A को रखें 3/5 और P of B को रखें 2/3, तो 3/5 माइनस 2/3 सॉरी प्लस 2/3 माइनस P of A इंटरसेक्शन B, तो LCM लेंगे तो 9 और 10 यानी कि 19/15 माइनस, इसको सही से लिख लेते हैं, 19/15 माइनस P of A इंटरसेक्शन B, ऐसा आ गया। अगर तुमने P इंटरसेक्शन B को जीरो बोल दिया तो A यूनियन B यानी P ऑफ A यूनियन B कितना आ जाएगा? 19/15 आ जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा भैया, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहां पर नॉर्मल एलजेब्रा से नहीं हमें काम करना है कि किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम ये देखते हैं कि उसमें जीरो सब्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब सब्ट्रैक्शन जो हो वो होना इफेक्टिवली, यानी कि जीरो सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 19/15 आ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें ध्यान रखनी ना कि मैक्सिमम 1 तक ही जा सकती है। तो चूंकि A और B का ही सम 1 से ज्यादा है तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को कुछ ना कुछ होना पड़ेगा कि वो उसको 1 तक ला सके। तो ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना जाएगा? यहां पर मैक्सिमम 1 जाएगा, ठीक है ना? 19/15 नहीं जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 तक जा पा रही है, ठीक। तो अब 1 को लाने के लिए यहां पे ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर हम देखें तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P of A intersection B की वैल्यू आ जाएगी 19/15 माइनस P of A union B, ठीक है? और अगर तुम्हें A intersection B की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो तुम 19/15 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? इसकी मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगी? इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, तो वो कितनी आ जाएगी? 4/15। तो ये आ गया 4/15। तो एक की रेंज आ गई 2/3 से 1, इसकी रेंज आ गई 2/3 से 1, और अगले की रेंज आ गई 4/15 से, यानी कि इंटरसेक्शन बी की 4/15 से 3/5। अब आपको तीसरे वाले की खुद से रेंज निकालनी है, लेकिन जो हमने इस क्वेश्चन में चीजें सीखी हैं उसको अब कंपाइल करके लिख लेते हैं ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के लिए। चलो, लेकिन पहले यहां पर एक चीज और समझ लो कि जैसे मान लो कि ये सम 19/15 यानी 1 से ज्यादा ना आके सपोज कर लो कि से 0.9 आ जाता, तो ये जाता 0.9 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब की तो मान लो इन दोनों का सम ए और बी का सम 1 से छोटा है, 0.9 आता, तो उस केस में पी ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती? जीरो हो जाती, क्योंकि फिर हम क्या चाहते हैं कि ए यूनियन बी 0.9 माइनस समथिंग है,
मैक्सिमम कब बनेगा, उसको वन वाला बाउंडेशन भी फुलफिल्ड है तो मैक्सिमम कब बनेगा, जब उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट ना हो। यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि सम वन से ज्यादा अगर हो तो सब्ट्रैक्ट करके हमें वन तक तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी वन से ज्यादा नहीं होगी। तो अब इन सारी चीजों को हम कंबाइंड करके एक रिजल्ट लिख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, जो दोनों में से बड़ा नंबर होगा, यानी मैक्स ऑफ पी ए कॉमा पी बी। तो ये चीज तो तुरंत बोल देंगे आप क्वेश्चन पढ़ते ही। और ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जो दोनों में से छोटा होगा। अब ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, या तो वन आएगी या पी ए प्लस पी बी आएगी। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर हमेशा सेलेक्ट करना होगा, जो छोटा नंबर होगा। तो जैसे अभी जो हम लोग क्वेश्चन करके आए उसमें वन और दूसरी चीज आई थी 19/15, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी, जो इन दोनों में छोटा होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में कितना था, वन था। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, या तो जीरो होगी या फिर पी ए प्लस पी बी माइनस वन। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी होगी, जो वैल्यू बड़ी होगी। तो जैसे अभी हम जो क्वेश्चन करके आए थे उसमें एक वैल्यू आएगी जीरो और एक आई थी 19/15 -1, यानी कि 4/15। तो कौन सी वैल्यू लेनी है जो इन दोनों में से बड़ी हो, तो जो हम लोग ने कौन सी ली थी, 4/15। तो मैक्स का मतलब ये होगा कि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू। तो अब हमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की रेंज पता चल चुकी है। तो अगर आपको जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है आप इन्हीं का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।